हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा आज आपके साथ ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole. Given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass, use pi equals 3.14. Pi की वैल्यू 3.14 दी हुई है। यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये नीचे वाला सिलिंड्रिकल पोल है, 220 सेंटीमीटर हाइट है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। ये ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है, 8 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और 60 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। अभी यहाँ जो दिए हुए हैं मेजरमेंट वो लिख दिया है, हाइट ऑफ द अपर पोल, इसको स्मॉल लेटर के एच से डिनोट कर रही हूँ हर जगह आंसर में, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द लोअर पोल कैपिटल लेटर एच से इस हाइट को डिनोट करेंगे, 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द अपर पोल स्मॉल आर से करेंगे डिनोट, 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द लोअर पोल कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, 12 सेंटीमीटर। अब हाइट इन दोनों पोल की अगर वॉल्यूम निकाल के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ द लोअर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर पोल इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी हम पाई चूंकि दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको जब मेजरमेंट्स जो दिए हुए हैं हमें यहाँ उनको डालेंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोला हुआ है, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 12 स्क्वायर 144 होता है इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जब इसको 22 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो लगा देंगे तो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 31,680 प्लस 3,840 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू 3.14 इंटू 35,520 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 111,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का मास ये पूरे पोल का आ गया। यहां पर हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट मास 8 ग्राम का। इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल पिलर का पूरे दोनों ऊपर नीचे के पोल का मास आ जाएगा। सिंस मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम्स, देयरफॉर मास ऑफ 111,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 111,532.8 इंटू
1262.4 ग्राम्स। अब ये ग्राम में आ गया, बहुत बड़ा नंबर ग्राम में आया है, इसलिए इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। इज इक्वल टू 892, ये डेसिमल थ्री प्लेसेस पीछे आ जाएगा बच्चों, तो 892.26। अब यहाँ डेसिमल के थाउजेंड्स के प्लेस पर टू है, इसलिए हम इतना ही छोड़ देते हैं केजी। ये आपका आंसर। द मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू 892.26 केजी।